हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज की हमारी जो मैथ्स की क्लास है, यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। क्लास नाइन्थ का टॉपिक है नंबर सिस्टम, चैप्टर फर्स्ट से। और जो आज हमारा डिस्कशन रहेगा वो एक्सरसाइज 1.2। जी हाँ, 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इसी पर जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स बेस्ड है। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ये पूछा जा रहा है हमसे। यहाँ पर अगर देखें तो हमने जो चार्ट ड्रॉ किया था एक, उसमें देखा था रियल नंबर इक्वल होता है किसके, रैशनल नंबर के, रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है ना, तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रियल नंबर। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, आपका ट्रू है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर, देखो ये रहा इरेशनल नंबर, वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। एवरी रैशनल नंबर वो भी क्या होता है, रियल नंबर। मींस रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन होता है, उसमें दोनों तरह के नंबर आ जाते हैं, रैशनल नंबर भी आ जाते हैं हमारे और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है, इसको हम लिख सकते हैं ट्रू। चलिए सेकंड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जी हाँ, ये देखें, अब यहाँ पर एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर जो है वो इरेशनल होता है क्या। अब ये जो है ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। कैसे है फॉल्स में, अगर हम देखें यहाँ पर तो फॉल्स को देखें तो एवरी रियल नंबर, देखो रियल नंबर क्वेश्चन है अपना, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है ये, यानी जो भी रियल नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अपने पास हम ले रहे हैं यहाँ पर टू नंबर, क्या ले लिया हमने, डिजिट टू ले लिया। अब देखो टू जो है वो रियल है, टू इज ए रियल और इरेशनल नहीं है, टू जो है इरेशनल नहीं है, टू कैसा है, रैशनल। तो टू रियल तो है, टू जो है वो रियल तो है, पर जो है ये इरेशनल नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस एग्जांपल से दोबारा देखें, हमने एक एग्जांपल ले लिया, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था एवरी रियल नंबर, यानी जो भी रियल नंबर होंगे वो इरेशनल होंगे, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, फॉल्स है, बिकॉज ये देखो रियल नंबर तो ये इरेशनल नहीं है, ये कैसा है, रैशनल है। तो ये जो है एग्जांपल हम जो देख रहे हैं यहां पर, ये प्रूफ कर रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या है, आपका फॉल्स है। नेक्स्ट अगर देखें, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। नंबर लाइन पर हर पॉइंट रूट एम के फॉर्म में होता है, ये पूछा जा रहा है हमसे, क्या ऐसा होता है क्या। ठीक है, तो पहले तो हमें नंबर लाइन को देखना पड़ेगा। तो नंबर लाइन पर तो हमने देखा था पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव, नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हमने देखा है ये नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ये नेगेटिव ले लीजिए ये लो। तो नंबर लाइन तो हम लोगों ने ड्रॉ की है, तो वहां पर पॉजिटिव इंटीजर भी शो होता है और नेगेटिव इंटीजर भी शो होता है, ठीक है ना, नंबर एक बार। और दूसरा जो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, क्या है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर नंबर जो है कोई वर्गमूल ही हो किसी का, क्या हो, वर्गमूल हो या रूट एम, यानी हर जो पॉइंट है नंबर लाइन पर वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर का वर्गमूल हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वो उसका रूट हो ये कोई जरूरी नहीं है।
इसमें दो बातें हमें बतानी है, एक तो नंबर लाइन और पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, जैसा कि हम बना पा रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकंड जो बात है वो ये है कि हर नंबर, कोई भी जन्म, जो भी नंबर आप देख पा रहे हैं या हम नंबर जो ड्रॉ करते हैं, वो जो नंबर है वो कोई जरूरी नहीं है कि हर नंबर किसी ना किसी का पूरा जो है स्क्वायर रूट हो, ठीक है ना, या वर्गमूल हो, वो कोई जरूरी नहीं है। यानी नंबर लाइन का हर नंबर मेनली अगर नेगेटिव देखें तो ये जो है कोई जरूरी नहीं है किसी का क्या हो, वर्गमूल हो, ये जो है क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, यानी अब जो फर्स्ट के तीन क्वेश्चन हमारे जो हो गए ट्रू और फॉल्स के, अब तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स हो गया ये सेकंड। एक स्टेटमेंट ट्रू निकला है अपना और बाकी दोनों क्या निकले हैं यहाँ पर, फॉल्स निकले हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। अब पॉजिटिव इंटीजर का कहते हैं स्क्वायर रूट करो तो क्या वो इरेशनल है क्या, चलो हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं। हमने वन लिया, वन का स्क्वायर रूट क्या आया, वन, तो वन तो इरेशनल कहां है, तो रेशनल बन गया, ये क्या हो गया, यहीं पर गलत हो गया स्टेटमेंट, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब ये फॉल्स हो गया और देख लेते हैं, देखो टू नंबर क्या लिया, टू, तो टू का अगर रूट करेंगे तो ये क्या हो गया इरेशनल, ठीक है। थ्री भी क्या हो जाएगा, रूट थ्री भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल हो जाएगा। अब रूट फोर कर देता हूं, पॉजिटिव इंटीजर है, रूट फोर कर देता हूं तो देखो ये क्या हो गया। इस तरह से अगर हम करते जाएंगे तो हमें रैशनल भी मिलेंगे और इरेशनल भी मिलेंगे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, ये फॉल्स है, बिकॉज हमें अगर हम इस सीक्वेंस को बढ़ाते जाएं तो रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर हमें मिलते जाएंगे, तो ये जो स्टेटमेंट है आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका ये क्या है, फॉल्स है। अब इसमें तो एक क्वेश्चन है नेक्स्ट अपने पास, हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, शो करना है किसको, रूट, जी हाँ रूट फाइव को। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने रूट टू और रूट थ्री को नंबर लाइन पर क्या है दिखाया था, वैसे ही आज हम किसको, रूट फाइव को, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट रूट फाइव ऑन किस पे शो करना है हमें, नंबर लाइन ऑन द लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पर हमें रूट फाइव को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर थ्री है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री में रूट फाइव को हमें इंडिकेट कर दिखाना है किस पर, नंबर लाइन पर। तो चलें ड्रॉ कर लेते हैं एक नंबर लाइन, यहाँ पर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। नंबर लाइन वेरी सिंपल, जैसा कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा था, तो एक नंबर लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। इसमें अब हमें अपनी जो है सुविधा के हिसाब से पॉइंट लेने हैं, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, ये मान लो जीरो पर है, ये जीरो ले लेते हैं, और ये पॉइंट हो गया आपका ओ, ठीक है, जीरो और ओ पॉइंट ले लिया यहाँ पर। ओ की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, यहाँ पर आफ्टर टू यूनिट, एक और दो, दो यूनिट, यानी ये वन हो गया और ये टू, ये नंबर लाइन है, ठीक है। आप इस टू में अगर ये जीरो वन टू है, यहाँ पर आप ले लीजिए, चेंज कर लेते हैं अपने पॉइंट को, और यहाँ पर हमने ए ले लिया, ये पॉइंट ले लिया हमने ए, ए कहाँ पर है, जीरो पर। उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया बी, कहाँ पर ले लिया, टू, टू पर, यानी पॉजिटिव साइड में हम चल रहे हैं, जीरो वन और टू, तो दो यूनिट के बाद टू पर हमने एक पॉइंट क्या ले लिया, यहाँ पर बी, बी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है,
ये राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें हम कुछ इस तरह से करेंगे, ये जो हमने रूट टू और रूट थ्री के लिए किया था वही है, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, लेकिन ये जो है आपका ए बी और इसको आप सी ले लीजिए, ये सी ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया और ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये क्या है 1, ये इसके इक्वल है आपकी 1 यूनिट के इक्वल है यहाँ पर ठीक है। तो ये 2 यूनिट्स हो गई यहाँ से यहाँ तक और ये आपकी, तो यहाँ पर आप डिनोट कर लेते हैं आपने थोड़ा सा क्या ओ बी या ए ओ सॉरी ए बी, ए बी ओ तो हमने हटाया है तो 0 है, ये 0 को डिनोट कर ठीक है। ए बी इक्वल्स टू 2, ए बी कितना है देखो 2 है, बी सी बी सी इक्वल्स टू 1, बी सी जो है वो हमारे पास क्या है 1 है, और ए बी सी, ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, देखें ये बस सिंपल सा ड्रॉ किया, कुछ भी नहीं है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने क्या बना लिया ए बी सी, जो मेजरमेंट यूनिट हमने लिए हैं वो हमने यहाँ पर क्या कर दी तीनों। अब हमारे पास एक थ्योरम आती है, कौन सी थ्योरम है, जी हाँ पाइथागोरस ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम हमें यहां पर लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इस पे 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वहां पर हम कोई भी साइड को फाइंड आउट करने में, दो साइड अगर हमें गिवन हो, अब यहां पर देखें तो ये आपका बेस हो गया, फॉर एग्जांपल ये ए बी को हम बेस मान लेते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर और ये हो गई आपकी हाइपोटेनस, आप यहाँ पर दिखाना चाहें तो बता भी सकते हैं, ए बी बेस है बी सी ठीक है ना, वो क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो ए बी को आप बी लिख लें, बी सी को आप परपेंडिकुलर लिख लें, और ए सी जो है हमें ए सी ये क्या करना है फाइंड करना है, और इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस, ये इस इन सब के लिए अब हमें जो है जरूरत पड़ेगी किसकी, पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम में वैल्यू पुट कर सकते हैं हम इसे, फाइंड क्या करना है आपको AC, तो क्या लिखेंगे AC is whole square equals to, बहुत ही सिंपल है, दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, तो हम पहले ले लेते हैं AB is whole square plus BC is whole square, लीजिए AB is whole square plus BC, ये पाइथागोरस थ्योरम है, हम कोई भी एक साइड जो है अगर दो साइड गिवन हो राइट एंगल ट्रायंगल में वो फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, चलिए AC तो एज इट इज ही रहना है, AC फाइंड करना है हमें बिकॉज AB, AB जो है हमें 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस BC को क्या लिया 1, 1 का स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर AC स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पर ऊपर लेके आ रहा हूँ, AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, और ये 1 का स्क्वायर क्या रहता है 1, AC स्क्वायर क्या हो गया आपका 5, और AC इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा रूट 5, स्क्वायर देगा तो क्या बन जाएगा उधर रूट लग जाएगा, ये क्या बन गया आपका रूट 5 हो गया ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो रूट 5 यानी जो हमारी ये जो साइड आई ये क्या आ गई रूट 5 आ गया, इट इज रूट 5। अब हमें कंपास की जरूरत पड़ने वाली है, एक आर्क लगाना पड़ेगा, किस जो है मेजरमेंट का, अगर यहाँ पर देखें हम इस नाप का लगाना है तो ए टू सी ये हमने आर लगाना है इस तरह से, इस डिस्टेंस ये जो ये ए टू सी, तो ये जो है ए को हमने ऐसे सेंटर रखा और सी तक ये, तो ये इस तरह से क्या लगाएंगे आर लगाएंगे ठीक है। तो अब वहां पर जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए ए सी के ऊपर, ए सी के ऊपर जैसे ही आप लगाओगे तो ये कुछ ऐसे रहता है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कट ये देखिएगा। अब यहाँ पर ए सी देखो ए सी इक्वल्स टू जहाँ पर ये कट हो रहा है मैं इसको जो है डी एक पॉइंट दे दिया डी ठीक है ये कट हुआ, तो ए सी इक्वल्स टू इसके हो जाएगा ए डी, ये ए डी
एसी बिकॉज दोनों क्या है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है रेडियस है किसकी, सर्किल कौन सा बन जाएगा हमारे, ये सर्किल बन जाएगा ना इस तरह से, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये सर्किल है इस तरह, तो सर्किल की रेडियस ये भी, तो इतने से ये दोनों क्या है इक्वल हो गए बिकॉज रेडियस रेडियस है, एसी अगर रूट फाइव है तो ये भी क्या हो जाएगा रूट फाइव, तो हमें ये देखो ये पॉइंट मिल गया नंबर लाइन पर, तो डी जो है यानी एटी भी क्या हो जाएगा आपका रूट फाइव, और ये नंबर लाइन पर ये पॉइंट हमने क्या कर दिया रूट फाइव फाइंड आउट कर दिया, यही हमें जो है बताना था नंबर लाइन के ऊपर रूट फाइव हमें शो करना था बताना था, तो इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर जो है रूट फाइव को हम दिखा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना है, थैंक यू वेरी मच।